नमस्कार, मैं जनप्रतिनिधि शिवम गौतम। और राजस्थान में एक बार फिर से अशोक गहलोत की सरकार को बड़ा झटका दिया राज्यपाल कलराज मिश्र ने। कल तीसरी बार अशोक गहलोत की सरकार ने एक कैबिनेट से पास हुआ प्रस्ताव भेजा था राज्यपाल के पास, जिसमें कहा गया था कि राज्यपाल ने जो तीनों शर्तें लगाई हैं, शर्तों की मांग की है, उसको हम नहीं मानेंगे। और राज्यपाल को हम मांग करते हैं कि वो 31 जुलाई को विधानसभा का सत्र बुलाने का आदेश दें। इसको लेकर राज्यपाल ने स्पष्ट कर दिया है कि वो ऐसा कोई आदेश नहीं देंगे, और उन्होंने वो प्रस्ताव वापस कर दिया। जिसके बाद अशोक गहलोत को ये कहते हुए सुना गया कि अब मैं राज्यपाल से ही मिलने जा रहा हूं और जानना चाहता हूं कि वो चाहते क्या हैं। दरअसल राज्यपाल जो चाहते हैं वो लिखित में दे चुके हैं, उसके बावजूद अशोक गहलोत और उनकी पूरी की पूरी कैबिनेट उन चीज़ों का न तो जवाब देना चाहती है, न उन चीज़ों को मानना चाहती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि चूंकि वो कांग्रेसी हैं, इसलिए कांग्रेस को भारत के संविधान का किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ कर व्याख्या करने का अधिकार है। कांग्रेस संविधान से ऊपर है, कांग्रेस इस देश से ऊपर है, और कांग्रेस को चलाने वाला जो एक परिवार है वो तो लगभग दुनिया से ही। यही बात अभिषेक मनु सिंघवी के बयान से भी झलकती है। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा कि राज्यपाल जो कुछ कह रहे हैं वो अपने स्वामी यानी मास्टर की बातों को हूबहू बोल रहे हैं। वो उनका सीधा आरोप है कि राज्यपाल कलराज मिश्र जो कुछ कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के इस आरोप पर कर रहे हैं। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ये बताना जरूरी नहीं समझते कि वो किसके इशारे पर बोल रहे हैं और किसके इशारों पर संविधान की गलत व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी हो, कपिल सिब्बल हो, या फिर दूसरे इसी तरीके के बड़े वकील हों, या फिर पूर्व कानून मंत्री है सुनील कुमार, या सलमान खुर्शीद जैसे लोग हों, या अशोक गहलोत जैसे लोग हों, ये सभी के सभी सोनिया और राहुल के इशारों पर नाचते हैं, उनके ही कहे अनुसार चलते हैं। उसके बावजूद ये राज्यपाल पर आरोप लगा रहे हैं कि वो किसके इशारे पर चल रहे हैं। आज की जो परिस्थिति है वो एक बार फिर से लौट कर वहीं आ गई है जहां से 15-16 दिन पहले ये शुरू हुई थी, यानी कि कांग्रेस की सरकार खतरे में है। अशोक गहलोत अपनी सरकार को संजीवनी दिलाने के लिए विशेष सत्र बुलाकर अपना बहुमत सिद्ध कर देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इसमें देर हो गई तो कांग्रेस के 19 विधायक और तमाम निर्दलीय विधायक और उसके बाद 6 बसपा के विधायक उनसे छूट जाएंगे, और ये सारा का सारा टोटल उन्हें भारतीय जनता पार्टी के 75 विधायकों से कम की स्थिति में ला देगा। इसी डर से वो जल्दी से जल्दी विधानसभा सत्र बुलाकर अपने बहुमत को बगैर पूछे, बगैर किसी की मांग किए विश्वास प्रस्ताव रखकर दिखाना चाहते हैं कि उनके पास बहुमत है। और साथ ही साथ इस एक तीर के साथ दूसरा निशाना वो ये चाहते हैं कि जो विधायक अभी सचिन पायलट के साथ हैं उनकी सदस्यता खत्म करा दी जाए। सीपी जोशी के द्वारा जो कि उन्हीं के इशारों पर नाच रहे हैं, कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं, लेकिन उस पर कांग्रेसी कुछ नहीं बोलते कि वो किसके इशारे पर काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ राज्यपाल पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें एक और बड़ा सवाल ये है कि क्या कल जिस तरीके के दावे प्रताप सिंह खजरियाबास और हरीश चौधरी ने किए थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर राज्यपाल तीसरी बार इस प्रस्ताव को वापस कर देंगे तो हम केंद्र सरकार से और सीआरपीएफ से मांग करेंगे कि वो हमें गिरफ्तार कर ले और जेल में डाल दे, उसके बाद हम जब जेल से निकलेंगे तो राजस्थान में चुनाव लड़कर दोबारा से सरकार बनाएंगे। क्या अब प्रताप सिंह खजरियाबास और दूसरे मंत्री जेल जाने के लिए तैयार हैं? क्या वो उस बाड़ाबंदी को जेल से ज़्यादा बदतर मान रहे हैं जिसमें अशोक गहलोत ने सभी विधायकों और मंत्रियों को कैद कर रखा है? ये जो उनका बयान था उसमें दर्द छुपा हुआ था। ऐसा लगता है कि जो बाड़ाबंदी है उससे न केवल निर्दलीय विधायक परेशान हो चुके हैं, कांग्रेस के ही विधायक परेशान हो चुके हैं, और वो यहाँ तक सोच रहे हैं कि अगर इस बाड़ाबंदी से किसी तरीके से मुक्ति मिले तो दौड़ कर वो सबसे पहले सचिन पायलट के खेमे में जाएं, क्योंकि वहाँ पर जो विधायक हैं उन्हें ज़्यादा सहूलियतें मिली हुई हैं, ज़्यादा स्वतंत्रता मिली हुई है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ के जो विधायक हैं इनके ऊपर तमाम पाबंदियाँ लगाई हुई हैं और उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें वहाँ पर बंद करके रखा हुआ है। ये जो बाड़ाबंदी है पिछले 20 दिन करीब होने को आ रहे हैं इस बाड़ाबंदी को। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा झटका मायावती ने भी दे दिया है। मायावती कल तक ये कह रही थी कि वो कोर्ट जाएंगी, लेकिन अब वो कोर्ट में पहुँच गई हैं। सतीश मिश्रा जो मायावती की पार्टी बसपा के महासचिव हैं, उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका लगा दी है और उन्होंने चैलेंज किया है कि जो 6 विधायकों को स्पीकर ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का जो फरमान सुनाया है उसको चैलेंज करते हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इन विधायकों की सदस्यता खत्म की जाए या फिर उन्हें बसपा में वापस भेजा जाए।
इससे पहले मायावती ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि मैंने बिना शर्त अशोक गहलोत की सरकार को बनाने के लिए 6 विधायकों का समर्थन दिया था, लेकिन अशोक गहलोत ने हमारी पीठ में छुरा भोंका और हमारी ही पार्टी को धोखा देते हुए हमारे 6 विधायकों को अपने साथ मिला लिया, जिसका हम पहले से ये सोच रहे थे कि कांग्रेस को कैसे जवाब दिया जाए, लेकिन अब हम कांग्रेस को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हम राजस्थान में कांग्रेस को सबक सिखा कर रहेंगे, जिसने हमारे 6 विधायकों राजेंद्र सिंह गोड़ा जो कि उदयपुर भाटी क्षेत्र से थे, दीपचंद खेड़िया जो कि किशनगढ़ बास क्षेत्र से, जोगेंद्र सिंह अवाना नदवई से थे, संदीप कुमार जो तिजारा से थे और बाजिब अली नगर सीट जो है भरतपुर की उससे थे। तो इन सभी के खिलाफ जिस तरीके से अब ये याचिका लगाई गई है, ये याचिका हाईकोर्ट में आज उस याचिका के साथ अटैच कर दी गई है जो कि एक और संशोधित याचिका मदन दिलावर ने पहले लगाई थी, इसको एक बार खारिज किया हाईकोर्ट के द्वारा, उन्होंने दोबारा से उस पर कुछ दूसरे मेरिट्स लेकर याचिका लगाई है। अब इन दोनों याचिकाओं पर आज 2 बजे के बाद सुनवाई होगी और उस सुनवाई में सीधे तौर पर अशोक गहलोत को नोटिस भेजा जाएगा, साथ ही साथ CP जोशी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनको भी नोटिस भेजा जाएगा और इसका सीधा मतलब यह है कि कांग्रेस अब पूरी तरीके से कोर्ट के पचड़े में भी पछती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को ये लगता था कि अगर वो कोर्ट कोर्ट खेलेगी तो कोर्ट में जिस तरीके की पहुंच अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल टाइप के लोगों की है, उसके दम पर वो आसानी से भारतीय जनता पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियों को, खासकर सचिन पायलट और उनके गुट को पटकनी दे सकती है। लेकिन कोर्ट से जिस तरीके की मूकी खानी पड़ी है, राजस्थान हाई कोर्ट से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी, उसके बाद दोनों ही वकीलों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अभिषेक मनु सिंघवी अपनी तरफ से सीधे तौर पर राज्यपाल के ऊपर सरकार के इशारों पर चलने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं कपिल सिब्बल तो यहाँ तक कहते सुने गए थे कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है और इससे संविधान को नुकसान पहुँचेगा। यानी कि जो लोग पहले दलीलें दिया करते थे, कानून की दुहाई दिया करते थे, संविधान के हवाले दिया करते थे, अब वो दूसरे तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मायावती का जो एक्शन है उसके बाद प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है, मिर्ची लगी है। प्रियंका वाड्रा ने तो कल फिर से कह दिया था कि मायावती भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रही है और इसीलिए वो संविधान और लोकतंत्र की हत्या करने के लिए और संविधान की हत्या करने वालों के साथ खड़ी हुई, उन्हें क्लीन देती हुई दिखाई दे रही है और लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस अपने आप को लोकतंत्र समझती है और अपनी पार्टी के उस परिवार को संविधान समझती है, इसीलिए कांग्रेस ये कहती है कि जो कुछ भी कांग्रेस के खिलाफ कोर्ट में भी होगा तो वो सीधे तौर पर संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ होगी। लेकिन इस पूरी की पूरी जो जोड़ तोड़ की रणनीति चल रही है उसमें एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि इस बार अशोक गहलोत का वो पुराना काला जादू नहीं चल पा रहा है। नहीं तो पहले जिस तरीके से वो पटकनी देते आए हैं अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को, चाहे परशुराम मदेना रहे हों या फिर बाद में दूसरी बार जब मुख्यमंत्री के तौर पर दावेदारी हुआ करती थी CP जोशी की और पार्टी के अध्यक्ष भी थे, उनको भी जिस तरीके से उन्होंने पटकनी दी थी और पिछली बार चुनावों में जीत कर आए सचिन पायलट को भी वो अपने काले जादू से हराने में कामयाब हो गए थे कुछ समय के लिए, लेकिन इस बार उनका काला जादू चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस के ही विधायक अब उनको छोड़कर जाने की फिराक में बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस आलाकमान ने उनको अपने मुंह पर ताला लगाने की भी नसीहत दे रखी है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पहले सचिन पायलट के खिलाफ बयान दिया, उन्हें निकम्मा नकारा बनाया, उसके बाद सचिन पायलट के वापसी के रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए, फिर बाद में उन्होंने राजभवन का घेराव करने की बात कहकर एकदम से सरकार को संकट में डाल दिया था और ऐसा लगने लगा था कि कहीं राज्यपाल इसी बात को मुद्दा बनाकर, और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्र में धारा 124 के तहत इस पूरे मामले को अपराध की संज्ञा में लेने की कोशिश की थी, उसके बाद ऐसा लगा था कि राज्यपाल भी इस मुद्दे को बनाकर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं, और उसके बाद अशोक गहलोत की तरफ से तमाम लोगों को कह दिया गया कि वो राजभवन से दूर रहें, राजभवन के आसपास घेराव की स्थिति पैदा करने से सरकार खतरे में आ सकती है। तो अब देखने में ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प होता जा रहा है कि जो कांग्रेस अब तक आगे बढ़कर और गुर्राने की कोशिश कर रही थी, अब वो मिमियाती हुई नज़र आ रही है, कांग्रेस दुहाई देती नज़र आ रही है। जैसा कि अपने पत्र में जो प्रधानमंत्री को लिखा था अशोक गहलोत ने, उसमें कहा था कि केंद्र सरकार को ये देखना चाहिए कि दूसरे राज्यों में जो विपक्षी पार्टियों की सरकारें चल रही हैं उनके ऊपर रहम करना चाहिए और राज्यपाल को मनमानी करने से रोकना चाहिए।
लेकिन अशोक गहलोत के सारे दाव फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े वकील, तमाम पूर्व नेता अपनी कोशिशें करके हार चुके हैं, लेकिन अब वो राज्यपाल के आगे और कानून और संविधान के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि अगर हाई कोर्ट ने बसपा के विधायकों की सदस्यता के ऊपर जो सवाल खड़े किए गए हैं उसको मान लिया तो सीधे तौर पर उनको बार किया जा सकता है विधानसभा में वोटिंग करने से। और उसको लेकर सतीश मिश्रा पहले ही एक व्हिप जारी कर चुके हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से सवाल ये उठाया गया था कि सतीश मिश्रा शुरुआत से चीफ व्हिप नहीं है, इसलिए वो व्हिप जारी नहीं कर सकते। लेकिन बसपा के मामले में ये सभी को पता है कि उनका जो व्हिप जारी करने का अधिकार है वो केवल मायावती के पास होता है या फिर वो मायावती किसी को डेलीगेट कर देती हैं। तो ऐसी स्थिति में सतीश मिश्रा बसपा के विधायकों के ऊपर व्हिप जारी कर सकते हैं और उस व्हिप का उल्लंघन करने से भी उनकी सदस्यता पर अयोग्यता की तलवार, अयोग्यता का जो बार है उसकी तलवार लटक जाएगी। दूसरी तरफ कोर्ट में अब जो मामला फंस गया है उससे भी अशोक गहलोत को ऐसा लगता है कि दूसरी पार्टियों के जो विधायक उन्होंने हड़प रखे हैं या निर्दलीय जो हड़प रखे हैं उनको भी इस पूरे मौके को देखकर भागने की जो उनकी मंशा है वो पूरी होती नजर आएगी। और इसी वजह से उन्होंने फेयरमोंट होटल में जो बाड़ाबंदी है उसका शिकंजा कस दिया है और वहां से विधायकों को निकलने में बहुत ज्यादा परेशानी हो इस बात की पूरे इंतजाम अशोक गहलोत ने कर रखे। लेकिन अगर उनमें से कोई विधायक राज्यपाल से ये गुहार लगा देता है कि हमें यह बंदी बनाकर रखा गया है, हमें मुक्त कराया जाए, तब निश्चित तौर पर अशोक गहलोत की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।